रेंज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वीवीए प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हम जो भी करते हैं, चाहे हम कॉपी करना हुआ, हमें पेस्ट करना हुआ, एनीथिंग करना हुआ, वो हम रेंज के ऊपर ही करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज कि कैसे एक डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो इंसर्ट करके हम न्यू मॉड्यूल्स में आते हैं, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट देते हैं। उसके बाद अगर एक एरिया सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट करने का तरीका है जैसे कि A1 से लेके K22, तो यहाँ पे लिखेंगे A1/K22.select, जैसे कि नॉर्मली एक्सेल में हम करते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमारा एक्सेल का कंसेप्ट है। अगर हम बीवीए की बात करें तो इसमें लिखेंगे रेंज A1 से कॉमा K22.select। तो A1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट और K22 एंडिंग पॉइंट, मतलब ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग को सिलेक्ट करेगा और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग को सिलेक्ट करेगा और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेगा। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूरा तो A1 यहां पे आता है सिलेक्ट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। ये हमेशा कंट्रोल ए को यूज करेगा, कंट्रोल ए और सिलेक्ट कर लेगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेगा कंट्रोल ए की मदद से। ओके। लेकिन इसमें एक चीज और आता है, ठीक है, पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए एक कोड होता है कि सेल डॉट सेलेक्ट, पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने का। तो मुझे अगर कर्सर मूव करना है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आना है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ रेंज A1 .and Excel, अब आपको डाउन में जाना है तो एक्सेल डाउन लेंगे और डॉट सिलेक्ट कर देंगे। एंड का मतलब क्या हुआ? एंड मतलब हुआ लास्ट में, जैसे कंट्रोल प्रेस करके जब डाउन एरो प्रेस करते हैं ना, ये हमारा एंड कहलाता है। ठीक है। और फिर और सर हमको जैसे बीच में जाना हो, फिर कहाँ बीच में जाना हो? जैसे मान लो हमको 10 पे जाना है, 11 12 पे, 12 पे, 81 12 A10 डॉट सेलेक्ट। ओके। तो जिस लोकेशन पे जाना है लोकेशन क्लियर है, क्लियर। तो आप A10 कर दे, ये है कि सबसे लास्ट में चला जाए। ठीक है, हाँ जी। सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि मुझे लास्ट में तो जाना है लेकिन बीच में हमारा ब्लैंक है, तो ये जो कोड हमारा डाउन वाला कोड है वो हमारा रुक जाएगा यहीं पर। तो उस केस में तरीका है कि आप लिखे रेंज A65000.and xlsapp.select। ये क्या करेगा, सबसे पहले A65000 में जाएगा और कंट्रोल प्रेस करके अप में आएगा। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जितना भी ब्लैंक अगर सेल्स है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ब्लैंक रो है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
यहाँ हम देते हैं इसका इसका यूज। एंड मेथड में आप जो है लेफ्ट राइट अप जहां भी ले जाना चाहे आप यहाँ पे दे सकते हैं। रेन ए वन से डॉट एंड आप एक्सलेस अप कीजिए, लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए, डाउन कीजिए, जहां करना है वहां कर सकते हैं। इम्प्रूव होता है लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे सिलेक्शन भी करना है, मतलब कि मैं कंट्रोल ए तो कर लेता हूँ बट कंट्रोल ए करने से थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कहीं कोई फालतू डेटा अगर होता है यहाँ पे तो आपका वो फालतू डेटा भी सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं इस फालतू डेटा को सिलेक्ट ना करना चाहता, मैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एंड डाउन एरो इस तरह से हो जाता। तो इसके लिए हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ए वन कॉमा रेंज ए वन से डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट। हमने यहाँ पे दो कोड को मिक्स किया, एक जो कर्सर को डायरेक्ट मूव करता उसको और ये जो था यहाँ पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए वन है और एंडिंग पॉइंट के लिए ये बोलेगा इस कोड से ले लो, तो सबसे लास्ट में लेफ्ट में लास्ट से जाएगा और इसका वो ले लेगा। नहीं लेफ्ट नहीं होगा, आई थिंक राइट होगा। एक मिनट मैं एक मिनट चला के देखता हूँ। राइट होगा सर, तभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बंद तो पहले मैं लेफ्ट में आ रहा। अब यहाँ पे मैं एक कर्सर लेकर आता हूँ। नहीं राइट ही होगा सर, नहीं 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 सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ लेफ्ट होगा, लेफ्ट नहीं राइट होगा सॉरी, सेल टू राइट। करना एक बार सर रन करना उसको, ठीक सिलेक्शन हो गया। अब मुझे नीचे तक ही सिलेक्शन करनी है। अब हम इसके लिए लिखेंगे सिलेक्शन रेंज, माफ कीजिएगा यहाँ पे रेंज रेंज यहाँ देंगे सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाए। दो दो बार क्यों हो गया सिलेक्शन यहाँ पे, जैसे रेंज फिर सिलेक्शन, एक सिलेक्शन हमने दो दो बार क्यों लिखा है सिलेक्शन, जैसे रेंज उसके बाद यहाँ पे समझिए, कोशिश कीजिए। पहला लाइन क्या कर रहा है, ए वन से यहाँ आ रहा है, पहला लाइन समझ में आ गया। हाँ अब इसको मुझे नीचे, हाँ जी, तो मैं अगर बोलूं कि ए वन से नीचे आया तो इतना ही सिलेक्ट होगा ना। हमें बोला, हमने हमें चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड सेल है उसी को लेके नीचे आना है। ओके ओके, एंटायर सिलेक्शन ओके ओके। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्शन और सिलेक्शन से डॉट एंड, सिलेक्शन डॉट एंड और यहाँ पे एक सेल हमने डाउन। समझे, ठीक है सर, इसमें मांगे आपको, हाँ जी हाँ जी, कोई डाउट इसमें, हाँ जी हाँ जी, कह रहे नो सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बीच में बहुत सारे ब्लैंक ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, तो एक कोड आपका परफॉर्म नहीं करेगा। तो उस केस में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे आर इक्वल टू हमने बोला रेंज ए वन से डॉट एन एक्सलेंस आप डॉट रो, और सी के लिए हम देंगे रेंज
एक्स एफ डी वन डॉट एंड डॉट लेफ्ट एक्सएल टू लेफ्ट डॉट कॉर्नर। तो ये क्या करेगा कि ये 65,000 पे जाएगा, ये 65,000 पे जाएगा और यहां से ऊपर आएगा, इसका जो रो नंबर 22 है वो आर के ऊपर स्टोर कर देगा। और फिर यहां पे हम आते हैं लास्ट में, हम यहां जाते हैं सर लास्ट में, और यहां से हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो हम के पे आते हैं। जब के पे पहुंचते हैं तो क्या है, इसका जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर सी पे स्टोर कर देता है, राइट सर। इससे अब यहां पे हम ये क्या लिखेंगे, रेंज ए वन से स्टार्टिंग है और एंडिंग के लिए हमने सेल्स लिया, सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। अब आर कॉमा सेल्स लेने का पीछे पर्पस क्या है, पर्पस ये है क्योंकि ये नंबर्स में है, ए वन बी वन सी एन में नहीं है, ये नंबर्स में है, इसलिए ठीक है। जो है पूरा डेटा को सिलेक्ट करेगा चाहे जो भी हो। तो ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड, जिसमें हमने बताया कि कैसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है इसको एक बार नहीं, इसको कई बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको कई बार, ठीक है, ठीक है सर, तब okay. जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम।